शाहलाइफ प्लस नरिशिंग क्रीम के विषय में आज का रिव्यू है। 100% ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा ये मेरा और टू द पॉइंट रहेगा। पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि इतने अच्छे से किसी ने इससे पहले आपको शाहलाइफ प्लस नरिशिंग क्रीम के विषय में नहीं समझाया होगा, बताया नहीं होगा। ये क्रीम ट्यूब के आकार में आता है। शाहलाइफ प्लस नरिशिंग प्रोग्राम इसमें लिखा है। $735 इसका मूल्य है, $735 इसका मूल्य है और 60 ग्राम्स का ये आता है। अब जहन में ये बात आती है कि हम इस क्रीम को क्यों लगाएं, क्यों यूज करें, इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम शहनाज हुसैन जी का है और शहनाज हुसैन जी का हर एक क्रीम या उनका प्रोडक्ट आयुर्वेदिक रहता है, वो उसमें आर्टिफिशियल कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस क्रीम का भी यही खास बात है कि इसका खुशबू भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, पैराबेन इसमें आपको नहीं मिलेगा। इस क्रीम में अंकुरित गेहूं का तेल और खजूर का रस मिल रहा है जो हमारे स्किन को और भी मुलायम और पोषण देता है, हेल्दी बनाता है हमारे स्किन को। इस क्रीम में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्किन के यानी त्वचा के सपोर्टिव टिश्यूज को मजबूत बनाते हुए हमारे स्किन को में एक रेडिएंट ग्लो लाता है। विटामिन ई है इसमें जो हमारे स्किन के यानी त्वचा के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, धीरे धीरे इसे हटाता है। हमारे त्वचा के मॉइस्चर कंटेंट को ये बेहतरीन करते हुए हमारे स्किन को यानी त्वचा को रिजुविनेट करता है यानी पुनर्जीवित ये करता है। हमारे स्किन में इस क्रीम से मसाज करने से, इस क्रीम को यूज करने से हमारे स्किन में एक इलास्टिसिटी स्किन का बढ़ाता है और एक कसाव लाता है हमारे स्किन में। इसे एंटी एजिंग क्रीम भी कह सकते हैं क्योंकि इस क्रीम को लगाने से चेहरे के फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दोनों धीरे धीरे कम होते दिखते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई इट, हम इसे अप्लाई कैसे करें अपने चेहरे पर, टाइमिंग क्या रहेगा, सब कुछ मैं आगे बता रही हूँ। इस क्रीम में देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है ये क्रीम, लेकिन इसे ऑयली स्किन वाले क्यों ना लगाएं? एक मिथ है ऑयली स्किन वालों का, मेरे पार्लर में या सलों में भी लोग आती हैं कि ऑयली स्किन है मेरा, मैं इस शहनाज हुसैन जी का ये नरिशिंग क्रीम लगाने से ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे भी लगाने का तरकीब रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि ये क्रीम इतना ज्यादा अच्छा है कि ऑयली स्किन वालों को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इस क्रीम को लगाइए। मैंने जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ उस तरह से लगाइएगा। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले पहले मैं बता दूं, इसे आप देखिए इतना लेना है, इतना ही काफी है इस क्रीम को लेना। आप सबसे पहले आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, फिर डॉट देते हुए इस क्रीम को आप चेहरे पर लगाइए नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले। उसके बाद आप थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी लीजिए, एक साथ मिला लीजिए पूरी तरह से दोनों चीजों को, फिर अपने चेहरे पर अच्छे से इसे लगाइए। धीरे से मलते हुए आपको इसे लगाना है। आप गाल पर, अपने फेस पर लगाइए, चिक्स पर, फिर फॉरहेड पर अपवर्ड स्ट्रोक्स दीजिए, आउटवर्ड स्ट्रोक्स दीजिए, फिर नेक पर आपको इसे लगाना है। बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रोक से आपको अपने नेक पर इस क्रीम को भी लगाना है, फेस एंड नेक दोनों पर आपको इस क्रीम को लगाना है। 3 to 5 मिनट्स आपको इसे लगाते रहना है। उसके बाद 5 मिनट के लिए आप इसे अपने फेस पर छोड़ दीजिए, इसे अब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट इसे रखिए अपने फेस पर, फिर आप वेट कॉटन से या वेट कोई भी टॉवल से अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। इसे लगाने का वक्त मैं चाहती हूँ इसे लगाना, मैं खुद जब इसे लगाती हूँ, मैं शाम को यानी दिन भर के काम के बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ शाम या रात को सोने से पहले मैं इस क्रीम को लगाती हूँ। लगाकर अच्छे से इसे मसाज करने के बाद टॉवल से पोंछ कर ही मैं सोने जाती हूँ। अब ऑयली स्किन वाले इसे किस तरह से लगाएं? ऑयली स्किन वालों को, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑयली स्किन वाले 30% इसका रेशियो मैं बता रही हूँ। ऑयली स्किन वालों के लिए 30% ऑफ द क्रीम एंड 70% ऑफ गुलाब जल, याद रहेगा 30% ऑफ द क्रीम एंड 70% गुलाब जल, यानी बहुत कम आपको क्रीम लेना है। देखिए बस इतना ही आप क्रीम लीजिएगा।
एंड 70% आप गुलाब जल लीजिए, अच्छे से दोनों को मिला लीजिए जिस तरह से मैंने कहा है, फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर वो प्रोसेस वही रहेगा। 3 to 5 मिनट्स आप अपने चेहरे पर इसे मसाज कीजिए, 5 मिनट्स के लिए इसे अब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप वेट टॉवल या वेट कॉटन से चेहरे को पोंछ लीजिए। रात को सोने से पहले अगर आप इसे लगा रहे हैं वो मुझे बेस्ट रिजल्ट देता है। सुबह उठकर मेरा चेहरा बहुत ही अच्छा मुझे फ्रेश लगता है और सॉफ्ट हो जाता है, काफी मुझे पसंद है ये रात को लगाना। इस क्रीम का एक ही चीज मुझे पसंद नहीं आया या थोड़ा खटकता है, वो है इसका कॉस्ट, यानी 735 रुपीज का है इसका मूल्य और 60 ग्राम्स, तो ये थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे। अगर थोड़ा कम रहता तो सभी लोग इसे यूज कर सकते थे क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा क्रीम है। फ्रेंड्स, मैं रिव्यू तो देती हूँ, साथ साथ ये भी मेरे जहन में रहता है, मेरे मन में रहता है कि अगर मुझे कोई अच्छा क्रीम मिले तो मैं खुद आपसे शेयर करती हूँ इस चीज को कि आप इसे लगाइए। घर पर आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि आपका भी स्किन हमेशा अच्छा रहे, खिला खिला रहे और यूथफुल रहे। 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है मेरा इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में। इस क्रीम ने, शाहलाइफ प्लस नरिशिंग क्रीम ने मुझे कभी कभी धोखा नहीं दिया है, जो कहता है वो करता है और मुझे हमेशा से ये बहुत बहुत पसंद है इस क्रीम को। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। क्रीम यूज करने के बाद आपको कोई फ्लॉ लगा या नहीं, या कोई किसी तरह का प्रश्न रहेगा आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगी।